प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब गोरखपुर के दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन से लोगों को स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण देखने को मिलेगा। इसके लिए 7 करोड़ की लागत से अर्थ स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है। अर्थ स्टेशन शुरू होने के साथ ही गोरखपुर दूरदर्शन सैटेलाइट के जरिए DTH पर उपलब्ध होगा, जिसका 3 दिसम्बर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे, जिसके संबंध में गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के सहायक निदेशक शैलेंद्र शरण ने बताया कि 3 दिसंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्थ स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग भोजपुरी को DTH DD नेशनल के माध्यम से देख सकेंगे। अर्थ स्टेशन सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाएगा, इसके बाद से सीधे यहीं से दूरदर्शन अपना सिग्नल भेज सकेगा। इस प्रक्रिया में दूरदर्शन गोरखपुर को काफी फायदा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को नया मंच भी मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए दूरदर्शन केंद्र के सहायक निदेशक शैलेंद्र शरण शुक्ल ने कहा, यहाँ जो है एक केवल धर्मेंद्र कुमार यहाँ से आएंगे, तो जो कल बात हुई जी, कल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, दोनों लोग उनके हाथों ये जो है लोकार्पण होना है और अर्थ स्टेशन यहाँ तैयार है और पूरा प्रसारण के लिए तैयार है। और ये उपलब्धि गोरखपुर को मिलने जा रही है कि हम सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाएंगे, यहाँ के प्रोग्राम सीधे अपलिंक हो सकते हैं। सर, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अर्थ स्टेशन क्या होता है, तो पूरा जरा उसके बारे में बताइए। अर्थ स्टेशन क्या है? अर्थ स्टेशन एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, जिससे हम यहाँ जो ऑडियो वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसको सैटेलाइट के माध्यम से भेजते हैं, अपलिंक करते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं। सैटेलाइट से वो अगर DTH प्लेटफॉर्म पे वो प्रोग्राम चल रहा है तो पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकता है उस कार्यक्रम को। तो ये गोरखपुर, इस तरीके से गोरखपुर का कार्यक्रम पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकता है, इसी को अर्थ स्टेशन कहते हैं। अर्थ स्टेशन उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद केवल गोरखपुर को मिला है। इसके पहले भी सर यहाँ प्रसारण होता था, कुछ कार्यक्रम यहाँ चलते थे दूरदर्शन पे, तो किस तरह चलते थे? इससे पहले जो है बहुत पहले तो यहाँ से टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर से चलते थे, वहाँ से प्ले होता था, और लेकिन उसका एरिया कम होता था, जितना हमारे ट्रांसमीटर का एरिया होता था उतनी दूर तक, मतलब 90 किलोमीटर के दायरे में देखा जाता था। लेकिन उसके बाद से हम जो है टेप बना करके लखनऊ भेजते रहे हैं और लखनऊ से उसको सैटेलाइट से अपलिंक किया जाता था। लेकिन अर्थ स्टेशन हो जाने की वजह से अब वो टेप बना करके भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सीधे सीधे सैटेलाइट को अपलिंक किया जाएगा प्रोग्राम। तो सर, यहाँ के कुछ कलाकारों को या कुछ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, विकास के बारे में कुछ इसकी जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय कार्यक्रम बनने से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ के लोक संस्कृति, आप जानते ही हैं कि यह जो है गोरखपुर क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध क्षेत्र है। ये जो है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कबीर, गोरखनाथ जैसे महान संतों की धरती है। पूर्वांचल का भोजपुरी का बहुत प्रसिद्ध केंद्र है। भोजपुरी का इलाका न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, बल्कि सीमावर्ती नेपाल जो मधेसी तराई इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है जो भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय बोली के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है। तो इस रूप में यहाँ के लोक कलाकारों को, यहाँ के गायकों को, यहाँ के संस्कृत कर्मियों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, और यहाँ के विकास संबंधी तमाम मामलों में लोगों की भागीदारी बनेगी। अगर कार्यक्रम यहाँ मिलते हैं, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से कार्यक्रमों के कुछ घंटे मिलें, सीधे प्रसारण का भी अवसर अगर मिले जैसी हम उम्मीद करते हैं, तो उस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी और लोग इस पूरे क्षेत्र के विकास में एक गोरखपुर दूरदर्शन हो सकता है भविष्य में एक अहम मील का पत्थर साबित हो। सर, एक चल रही है किसानों को लेकर के, तो क्या किसानों के संबंध में भी कुछ प्रसारण करेंगे आप?
किसानों या खेती बाड़ी के? देखिए अभी कार्यक्रम कौन कौन से चलेंगे यह चीज़ हमारा महानिदेशालय तय करेगा कि गोरखपुर दूरदर्शन कौन कौन से कार्यक्रम बनाए, लेकिन निश्चित रूप से हम जैसा कि पहले भी करते रहे हैं विकास संबंधी कार्यक्रम, घर गृहस्थी से कुछ जैसे कार्यक्रम जो महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम, किसानों से कृषि से रिलेटेड जो है चीज़ें हम कई बार जो पहले भी प्रसारण होता था गोरखपुर का, तो उसमें जो है कौन सा मौसम चल रहा है उसमें कौन सी खेती क्या बीमारियाँ हो सकती हैं इससे संबंधित भी, हालांकि दूरदर्शन का एक अलग से किसान चैनल भी इसी पे चलता है, फिर भी कभी कभी क्षेत्रीय कृषि संबंधी समस्याएं अलग भी होती हैं, तो उनसे रिलेटेड समस्याओं कार्यक्रम हम बना सकते हैं और चला सकते हैं। तो क्या कहेंगे सर गोरखपुर वासियों से? गोरखपुर वासियों से हम कहेंगे कि मतलब उनके लिए भी और खुद दूरदर्शन गोरखपुर के जो कर्मचारी हैं और जो जो संस्कृति कर्मी हैं आसपास सभी लोगों के लिए एक सुनहरा पल है, और हम जो अभी चल रहा है इससे थोड़ी सी ज़्यादा की उम्मीद करें, हम यही कहेंगे कि इसको एक स्वर्णिम अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए।